कैसे जी हैं, अस्सलाम वालेकुम। चले जी, आज मैं अपनी आप रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ खीर की। तो बस की खीर, चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। ये जी 3 ओलपर के मैंने पैकेट ले लिए थे, 1.5 किलो के, और साथ में जो है ये देखें, मैंने पहले से ही जो है ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता, बादाम और इलायची, और 1.5 कप जो है के करीब चावल मैंने ले लिए थे। ये 1.5 कप के करीब चावल है। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ये जो दूध मैंने अब इसमें डाल दिया है और ये बॉयल होगा, बॉयल होने के बाद जो है इसमें वो करेंगे। अब मैंने चावल को भिगो दिया था, भिगोने के बाद जो है मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। अब 3 चाय इलायची मैंने इसके अंदर जो है ऐड कर दी है। अब ये दूध हो जाएगा बॉयल, जब बॉयल होगा तो हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारा दूध हो चुका है बॉयल, तो अब हम इसके अंदर हमने चावल जो हैं वो ऐड कर दिए हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए थोड़ी सी मैंने इसमें क्रीम भी मिक्स की है, जो मलाई होती है दूध की उसके अंदर मैंने मिक्स की है। थोड़ा सा दूध भी इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया था क्योंकि इससे खीर जो है वह ज़्यादा अच्छी बन जाती है ना। ये देखिए जी अब बॉयल आ गया है, दूध को अच्छे तरीके से अब इसको हमने मिक्स किया है। अब दूध जो है, खीर जो है हमारी गाढ़ी हो रही है। तकरीबन हो चुकी है हमारी खीर गाढ़ी, ये देखें जी हमारी खीर हो चुकी है गाढ़ी और तकरीबन हो चुकी है, क्योंकि ये 2 मिनट रेसिपी है, 2 मिनट में ही ये रेसिपी जो है वो तैयार हो जाती है। अब हमने इसके अंदर, जब ये गाढ़ी हो जाए तो हमने चीनी ऐड करनी है। मैंने 1 कप इसके अंदर चीनी ऐड की है, 1.5 कप आप भी अपने जितना आप खा सकती हैं, मतलब आपको, क्योंकि कुछ लोग कम खाते हैं चीनी, तो मैंने आप अपने मुताबिक ही चीनी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1.5 कप इसके अंदर चीनी ऐड की है क्योंकि जितनी ज़्यादा कम होती है, मतलब इतनी भी कम ना, मुनासिब चीनी होनी चाहिए तो वो खीर ज़्यादा अच्छी बनती है। तो इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। खीर को ये होता है कि आपने लगने नहीं देना होता, इसको अच्छे से मिक्स करना होता है। हमारी खीर हो चुकी है अब गाढ़ी और ये हो चुकी है अब तैयार। चलिए जी मैं आपको अब डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये जी हमारी खीर हो चुकी है तैयार जी। आप मुझे बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।